नमस्कार इंडिया, कैसे हो तुम लोग? आई नो कि तुम लोग एकदम फिट फाइन हैप्पी सुरक्षित हो गए। एंड गाइस, आज की वीडियो जैसे कि तुम्हें पता है इंटरेस्टिंग होने वाली है, बकचोदी करने वाले हैं। अब क्यों होने वाला है वो ज़रूर बताऊंगा। तो हे गाइस, गेम छोर और सबके स्वागत पर हमार उपसी एर के चैनल पर। तो ये वीडियो आई नो तुमने सेकेंड पार्ट देखने का कंटिन्यू करने के लिए ये वीडियो क्लिक किया होगा। हाँ हाँ गाइस, वही वाला जो मैथ्स में हमने इतना जहर मैथ्स का पेपर आया था, तेरा भाई का दिल ना, मतलब पहली बार मैथ्स को पेपर पे दिल आ गया था, वो होता है ना फर्स्ट साइट लव। मैथ्स को पेपर को देखकर मेरे अंदर यही फीलिंग्स आई थी। अब क्यों आई थी मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि इतना इजी आया था, मतलब लाइक इजी तो आया था बट मैं पढ़ के नहीं गया था, पर इतना पढ़ के गया था कि पास हो जाऊँगा। तो लाइक मैथ्स में ठीक ठाक ही नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पार्ट टू इस वीडियो में कंटिन्यू करूँगा गाइस। एंड बिना बकचोदी को एंड तक वीडियो को देखना, स्किप मत करना, क्योंकि यार तुम ही लोग तो हो, एक तुम ही तो मेरे जान हो कि तुम लोगों पे ट्रस्ट रहता है मुझे कि मेरी वीडियो को स्किप बिना किए देखोगे। यार 10 महीने हो गए इस चैनल को ओपन किए हुए। हाँ हाँ गाइस, और तुम्हें पता है कि 1 साल के बाद अगर वॉच टाइम्स कंप्लीट नहीं होता तुम्हारे चैनल का तो माँ बहन बना देते हैं चैनल वाले, ऑफकोर्स यूट्यूब वाले भाई। वो ना वॉच टाइम ना कट करते जाते, लाइक 1 साल हो गया तो 1 साल पे जितना पहले दिन वॉच टाइम आया था एंड 1 साल पहले जितना वॉच टाइम आया था, पहले वाले का कट करके न्यू वाला जोड़ेंगे, जो कि बहुत गंदा मिस्टेक होता है। तो प्लीज़ यार, इस महीने इस वीडियो, इस चैनल को मोनेटाइज करवा दो, एक मेरी वीडियो गाइस वायरल कर दो, मतलब इतना शेयर करो, इतना देखो ना, मतलब वो वायरल हो जाए और उसी वीडियो से मेरे ना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाए, बस मोनेटाइज हो जाए गाइस, क्योंकि मैं इसी महीने इसको मोनेटाइज करवा के रहूँगा तुम लोगों का साथ रहा तो। फाइनली गाइस, पार्ट टू बकचोदी स्टार्ट करते हैं। एंड आई नो कि 1 मिनट से ज़्यादा बकचोदी कर रहा हूँ तो तुम लोग सुन ही रहे होगे, सुनो या ना सुनो बट इस चैनल को मोनेटाइज करवाओ जल्दी। तो फाइनली गाइस, पार्ट टू में जैसे मैंने बताया था कि फाइनली मैं घर आया था मैथ्स का पेपर देने के बाद, एकदम ठीक ठाक था। उसके बाद भैया 1 घंटे बाद मेरे ट्यूशन वाले भैया मैसेज कर रहे हैं ग्रुप पे कि बच्चों मैथ्स का क्वेश्चन पेपर भेजो कैसा आया। तो ऑफकोर्स मेरी क्लास की, ऑफकोर्स ट्यूशन के बच्चे ने, एक मैथ का बेटा, उसका भी सेट 1 आया था और मेरा भी, हमेशा हम दोनों का सेट 1 नहीं आता है। तो फाइनली उसने भेजा, फिर भैया कह रहे तो पूछ रहे थे कि पेपर कैसे गया, तो उसने बोला ओके, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं क्या बोलता कि ठीक ठाक गया, उसने बोला ओके, लाइक उसके 60+ नंबर आ जाएंगे तो उसका ओके है, और मेरा भाई पासिंग नंबर आ जाएंगे तो मेरा क्या ठीक ठाक भी है। तो ऐसे ही कुछ मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने मैसेज चेक किया, उसके भैया ने बोला हाँ तुम्हारा पेपर तो ठीक ही ठाक आया है। एंड फाइनली गाइस, ऑफकोर्स हमारे ट्यूशन में एक नाम का सचिन लड़का है, वो कह रहा है, भैया ने बोला था कि उस दिन आना, पेपर डिस्कस करेंगे और पार्टी भी करेंगे। तो ऑफकोर्स पार्टी करने के लिए भैया ने बोला था कि पैसे खुद लाओगे, क्योंकि उन्होंने 1-2 बार 3 बार पार्टी करवा रखा है, 1 बार स्टिंग भी पिला रखा था उन्होंने अपने पैसे से। ऑफकोर्स तुम्हें पता है 20 का स्टिंग आता, तो हम 9 या 8 लोग थे। एंड फाइनली उन्होंने बहुत पार्टी करवा रखा है, एंड तो भैया ने बोला पार्टी करना है तो तुम लोग आ जाना। तो हमने बोला ठीक है भैया। तो जैसे ही मैं गए, एक्चुअली मेरे पास पैसे थे, बचे थे सिर्फ 20 रुपये एक्चुअली। फिर मैंने घर वालों से मांगा नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स क्यों मांगूँ मैं, क्योंकि भाई इतना पैसा ऑलरेडी मैं खर्च कर चुका हूँ अपने स्कूल से आना जाना, भाई हमेशा मांगने ज़रूरी था। 20 रुपये था, मैं लेके चला गया, ट्यूशन नहीं गया, अभी बताता हूँ, घर पे ही था। तो मैं 20 रुपये लेकर आऊँगा, कमेंट किया था उस सचिन ने कि सब 50-50 रुपये लेकर आएंगे, और मैं 20 रुपये में पसता था, मैंने बोला मैं तो 20 ही लेके जाऊँगा। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया गाइस कि मैं घर पर आया था जब ये सब बकचोदी हो रही थी ना, जब मैं भैया के मैसेज आया था, रिप्लाई दे रहा था, तो मैं अपने घर नहीं था, क्योंकि मेरे घर में मेरे भाइयों ने मिल मिल के मेरा फ़ोन का डाटा ख़त्म कर दिया था। एंड मैं बोर हो रहा था बहुत ज़्यादा, एंड थक भी चुका था, मतलब शरीर होती है ना बॉडी, थक के चूर हो चुका था। तो फाइनली हमने डिसाइड किया, हमने नहीं, मैंने ही डिसाइड किया कि मैं जाऊँगा अपने बेवकूफ़, मतलब इंटेलिजेंट जो भी उसको बोलो, टी के घर, क्योंकि उसके अंदर वाईफाई लगा है, अंदर नहीं, उसके अंदर नहीं, उसके घर के अंदर ऑफकोर्स, तो वाईफाई लगा है। तो फाइनली मैंने उसको कॉल किया कि भाई आ जाऊँ क्या, मेरे अंदर का मेरे घर का नेट डाटा सब उड़ चुका है, तो मैं तेरे घर आ जाता हूँ। तो उसने बोला आ जा, वो भी बकचोदी कर रहा था, हम लोग वहाँ मिल के, वो अपना फ़ोन चला रहा था, हम यहाँ चला रहे थे। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम थोड़ा बहुत उसके घर पर चलाया था, एंड फाइनली हमें जोश आया। मैंने पहले शुरू में तो गया था ना उसके यहाँ, तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने 2 वीडियो देख ली कि IIT का पेपर कैसा आएगा, क्या पढ़ के जाना चाहिए। उसके बाद लास्ट में हम देख रहे थे 11th क्लास के बारे में, अगर 11th क्लास की जर्नी कैसी हो, वो कॉमर्स ले रहा है, मैं आर्ट्स ले रहा हूँ, क्योंकि उसको करना है CA का कोर्स, मुझे करना है लॉयर का कोर्स। तो लाइक ऑफकोर्स लॉयर BCOM से भी कर सकते, बट भाई BA ज़्यादा ईजी है, तो फिर BCOM में क्यों कॉम करें, हम बी
ऐसे कर लेंगे। तो फाइनली गाइस हम बकचोदी करने के बाद 11th देख रहे थे भाई, 11th उसको कॉमर्स लेना, तो पता नहीं कौन सा चैनल है उसी से देख रहा था। प्रशांत सर है ना, उनके पार्टनर है SST वाले और एक मैथ्स वाले, तो मैथ्स वाले का चैनल पर हम देख रहे थे कि लिटरली मैं बताऊँ तो मैथ्स ईजी नहीं आएगा, तुम्हारी 11th क्लास डिफिकल्ट आएगा, ये आएगा फलाना ढिंगाना, और बेचारा वो डर रखता है ना, डर मत बेटा, चिंता मत कर। उसके बाद क्या हुआ कि उसने बोला कि चला जाए 1 घंटे की वीडियो देखते कि IT का पेपर कैसे कैसे आएगा। तो लाइक हम देख रहे थे प्रशांत वाले वीडियो, तो वो कह रहा था ठीक ठाक नॉर्मल आएगा तुम लोगों का IT का पेपर, और IT में बेनिफिट तो मैंने बता ही रखा है कि 50 नंबर स्कूल से देंगे, बट 50 नंबर देगी नहीं वो नैन्सी। और आज का पेपर मतलब IT का पेपर कैसे गया ऑफकोर्स बताएंगे हम। तो फाइनली ये हुआ, तो फाइनली गाइस मैं ना उसके घर, मैंने सोचा कि ऑफकोर्स मैं 4 बजे गया था, 4:30 बजे, मैंने बोला 5:30 से 6:30 बजे तक घर पहुँचाऊँगा। फाइनली गाइस इतनी बकचोदी करते करते हम रील्स देखते देखते 7 बज गया, 7 बजने वाले थे। मैं जैसे ही घर पे आया, मैंने दिया भैया जलाया घर में, एंड उसके बाद फाइनली बैग उठाकर ट्यूशन भागा। मम्मी से मैंने बोला मम्मी ट्यूशन है, मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। ट्यूशन जाने के बाद क्या हुआ गाइस कि मैं, हम सब भैया मिल गए, पेपर जो पहले तो बकचोदी कर रहे थे, उसके बाद हम सब मिल गए कि पेपर चेक कर रहे थे कितने MCQ गए, सही गए। तो फाइनली मैंने तुक्के लगा कर आया था, 1 बज गया था गाइस, 15-20 मिनट थे पेपर ओवर होने में, उसमें मैं तुक्के लगा कर आया था, और मेरे 10 ना MCQ सही चले गए, जो कि भैया को भी खुशी हुआ, मेरे को भी खुशी हुआ। एंड फाइनली गाइस तब तक बच्चे कह रहे थे पैसे निकालो तुम्हें पार्टी करनी है, तो मैं थोड़ा सोचा, फिर मैंने बोला मेरे पास पैसे सिर्फ 20 रुपये चाहिए तो बोलो, तो बोला दो जो है वो ला के दो। तो फाइनली हम लोगों, मेरे पास तो 20 था, आई थिंक मुझे लग रहा है कि सबसे कम मैंने ही दिया था, आई डोंट नो बट आई थिंक। तो फाइनली ये सब हुआ, तो वो सब चले गए मोमोज वगैरह सब कुछ लेने, और हम यहाँ बैठ के 1 घंटे तक बकचोदी करते रहे, आई मीन भैया से डिस्कस करते रहे कि पेपर कैसा, ये वो फलाना ढिंकाना, MCQ सही है, मतलब भैया ही चेक कर रहे थे। फिर फाइनली सचिन की मम्मी का कॉल आया, तो भैया बात कर रहे थे, हाँ तो मतलब भैया ऑफकोर्स इज्जत वाली लैंग्वेज में बात करेंगे, बट मैं यहाँ बेइज्जती वाली लैंग्वेज में बात करूँ। तो आंटी ने पूछा था कि सचिन ट्यूशन आया, तो भैया ने बोला हाँ हाँ आया है, बट वो सब कह रहे थे कि उनको पार्टी करनी है, तो अभी डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर के, अभी वो लेकर नहीं गया है, लेने के बाद हम डिस्कस कर लेंगे। फिर उसकी मम्मी कह रही थी हाँ एक बार डिस्कस कर लीजिएगा ये फलाना ढिंकाना, उसके बाद भैया ने फ़ोन रख दिया, फिर हम डिस्कस करने लगे। फिर वो आया, वो सब लेकर आए, तो हम लोग खा रहे, वो लोग खा रहे थे, तो भैया कह रहे तुम लोग खा लो इन सबको भी दे दो, तो भाई कहते भैया भी हम निकाल ही रहे थे सबके लिए। तो फाइनली भाई इतने सारे चीज़ उन्होंने खिलाए, मैं मोमोज खा रहा था, मैं मोमोज खाते खाते कुछ सोचा था जो कि मैं नहीं बताऊंगा तुम लोगों को। फाइनली गाइस उसके बाद हम मोमोज खाए, फिर वो रोल ला के दिए, रोल के बाद चाउमीन दिए। भाई मोमोज खाने के बाद, रोल खाने के बाद पेट में जगह नहीं बचा था, मैंने चाउमीन को उठाया बैग में रख लिया, मेरे साथ बंदा था वो, उसने भी चाउमीन उठाया और बैग में रख लिया, लाइक पेट भर गया था। तो भैया से अरे भैया बहुत है, 250 रुपये हो गए थे सारे बच्चे ने मिलाया था, तो बट मैंने तो 20 मिलाया था ना, मुझे क्या पता, मतलब पता तो था यार 50 लेकर आने, बट मैंने इतना खर्च किया था तो इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा था ना गाइस, मेरा मन जो करेगा ना मैं वही करूँगा, ऐसी छोटी मोटी गाड़ी में मैं नहीं बैठूँगा। तो मेरी लैंग्वेज में मुझे ना, मेरी आवाज़ बहुत अजीब सी है, मुझे अजीब नहीं लगता। तो फाइनली गाइस ये बकचोदी हुआ था ट्यूशन में, फिर हम लोग खाने लग गए, और क्या ही बताऊँ ट्यूशन। उसके बाद ना गाइस मुझे घर पे आने के बाद रियलाइज हुआ कि हमने लास्ट दिन ट्यूशन में, भाई मतलब भाई एक्चुअली हमने लास्ट दिन फ़ोटो ही नहीं लिया, मुझे इतना गुस्सा अफसोस हो रहा था ना कि हम लोगों ने लास्ट दिन पे फ़ोटो क्यों नहीं लिया साथ में। बट फाइनली कोई बात नहीं, आसपास ही घर है, बट क्या ही कर सकते, मेरी क्या ही प्रॉब्लम है तुम बता नहीं सकते, वहाँ पे लड़कियाँ भी तो ना, तो उनके साथ भाई लड़कों के घर पे तो जाके मैं फ़ोटो ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मिल भी सकता हूँ, बट ऑफकोर्स लड़कियों के घर में ऑफवर्ड लगता है उनकी फैमिली को कि एक लड़का, लाइक फैमिली को भी उतना ऑफवर्ड फील नहीं होगा, बट गली वाले इससे लड़का मिलने आए, मतलब गली वाले होते ना तमाशा बना देते हैं गाइस, तो ऐसा ही मतलब मैं क्या ही बोल सकता हूँ। तो भैया ने बोला सब रिजल्ट के बाद 1-1 किलो मिठाई खरीद के और मेरे घर पे देकर जाना, हमें बोला भाई चिंता मत करो आपको 1 किलो क्या, हम 2 किलो देकर जाएंगे। मैंने नहीं बोला था, मम्मी नहीं हूँ, सारे बच्चे और बच्चे बोल रहे थे, लाइक भैया कह रहे थे मुझे ना कोई ऐसी ऐसी मिठाई नहीं चाहिए, अच्छा वाला मिठाई चाहिए। तो भैया का पता नहीं, उन्होंने अपनी फेवरेट कलर की मिठाई बताई थी, फेवरेट कलर क्या मतलब फेवरेट मिठाई बताई थी, कुछ याद नहीं, लाइक थोड़ा ब्लैक ब्लैक होता है, पता नहीं कुछ क्या बोलते हैं। तो भैया ने बोला कि सब मेरे घर मिठाई देकर जाएंगे, सारे बच्चे कह रहे ठीक है भैया देकर जाएंगे। और भैया ने ऑफकोर्स भैया ने शर्त लगाया गाइस, हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया था, भैया ने बोला कि अगर किसी का भी 70% से जाता है, ओवरऑल 70% 100% में से 70%
से भी ज़्यादा आता है किसी भी बच्चे का, या लाइक 70% भी, तो भैया उस बच्चे को, बल्कि सारे बच्चों को पार्टी देंगे, वो भी 100-100 रुपये का, एक बच्चे का 100 रुपये, मतलब 600-700 रुपये खर्च होगा उनका। तो भैया से शर्त लगा था, एंड मुझे इतना तो ट्रस्ट है ही कि हमारे ग्रुप में कुछ महान बच्चे हैं और मेरे को भी अपने ऊपर भी ट्रस्ट है, तो मैं 75 out of 75 तो आनी चाहिए मेरे परसेंटेज, एंड भैया को पार्टी देना ही पड़ेगा क्योंकि ऑफकोर्स मेरे आएंगे और मेरे के और भी बच्चे बहुत हैं जिनके 80+ आ सकता है, और एक तो है उसका 95+ भी आ सकता है, बट भैया को ऐसा लगता नहीं क्योंकि वो बंदा पढ़ता नहीं उनके सामने। भैया मजाक, भैया को पता होगा ना कि एक बच्चे कर सकते हैं बट वो बच्चों के सामने नहीं बोलते हैं, शर्त लगा रहे थे अब देखो ये वो, तो भैया को पार्टी देना ही पड़ेगा। हमने बोला अगर भैया ना किसी का भी आ गया 70% से ज़्यादा तो आप पार्टी नहीं दोगे ना, तो फिर आप देख लेना मिठाई खाते रह जाओगे आप। तो मैंने ठीक है मैं दूंगा पार्टी, पहले ला के दिखाओ। तो दिल में इंतज़ार की फीलिंग्स नहीं है गाइस, मतलब क्या होता है इंतज़ार करना, भाई हमने बोर्ड दे दिया, बोर्ड देने के बाद काश मेरा पेपर, मेरे सारे बकवास दोस्तों का पेपर कोई अच्छा इंसान चेक करे, दिल खुश कर दे, वो नंबर मतलब ऐसे लुटाते नहीं है फ्री में पैसे शादियों में, मेरे गाँव में एक्चुअली क्या होता है कि शादियों में चिल्लड़ लुटाते हैं, तो चिल्लड़ भी 1-2-5 रुपये का होता है, तो वो पेपर वाला चिल्लड़ होता है भाई, 5-5-6-6 नंबर दे दे फ्री में, तो मैं चाहूँगा कि भगवान मेरा पेपर कोई अच्छा चेक करे, अच्छे अच्छे नंबर दे दे, हमें 75 out of 100 में से रिजल्ट आ जाए। तो फाइनली यही हुआ था गाइस, एंड जब मैं घर पे आया था तो मुझे बहुत दुख हो रहा था कि ये सब क्या हो गया, मैं आज के बाद उन लोगों से मिल नहीं पाऊँगा, मतलब लाइक मुझे ना बहुत ज़्यादा अफसोस फील हो रहा था कि यार 10वीं ख़त्म हो गया, पता नहीं कौन से स्ट्रीम लेंगे, एंड मैंने बताया नहीं था फरहान में ट्यूशन में गाइस, लाइक हम तीन बच्चे थे जो आर्ट्स ले रहे थे, और तीन बच्चे थे जो साइंस कॉमर्स टाइप ले रहे थे। तो फिर फाइनली फरहान कह रहा था कि ना वो कॉमर्स लेगा, मैंने बोला तू पढ़ पाएगा कि कॉमर्स लेगा, सोच समझ के कॉमर्स लिया, तो कह रहे अरे यार तू चिंता क्यों कर रहा, मैंने बोल रखा है खुद से कि मैं ना 11th क्लास में अच्छे से पढ़ने लग जाऊँगा, मैंने बोला ओए एक बार ना 10 बार सोच लियो समझ लियो कि तू क्या लेगा, कॉमर्स लेगा तो तेरी कॉमर्स माँ बैन कर देगी, तो कह रहे भैया है ना, तो मैंने बोला भैया पढ़ा रहे हो क्या, भैया अगर आर्ट्स पढ़ाएंगे ना मेरी 11th मैं पढ़ लूँगा, क्योंकि भैया बहुत अच्छा पढ़ाते, तो आर्ट्स भी उनके पास ना आर्ट्स की भी डिग्री है, आई मीन BA की डिग्री है, BCOM की डिग्री है, फर्स्ट ऑफ ऑल भैया ने 12th के बाद BCOM किया था, उसके बाद आर्ट्स की भी डिग्री लिया था वो गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वही सब हुआ था। एंड फाइनली गाइस जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा 13 तारीख को ऑफकोर्स IT का पेपर, जो कि आज का दिन है, तो आज एक तरफ से बोल सकते कि हमारा लास्ट पेपर था, एंड यार लास्ट डे था, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब ना यार मैं बहुत दुखी हूँ, मतलब घर आने के बाद क्या हुआ कि लाइक बाहर से तुम कितना भी खा कर आओ, चाहे कितना भी, तुम्हें घर का खाना ठूसना ही पड़ता है, टाइम से लिमिटेड टाइम है कि हाँ इतने देर में तुम्हें ठूसना ही पड़ेगा, तो ठूसना ही पड़ेगा। तो एक्चुअली यार जब मैं खाना खा रहा था ना दाल चावल एंड गाना सुन रहा था, तो ना मुझे बहुत रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा यार, मतलब वो गाना इतने इमोशनल था, और गाना पहली बार उस गाने को ना मैंने अपने दोस्तों से कनेक्ट किया था, वरना मैं किसी और लोगों से कनेक्ट करता था, एंड मुझे सच में इतना दुख हो रहा था, इतना बुरा लग रहा था कि लास्ट डे था, उनको कितना मिस करूँगा। तो फाइनली गाइस आगे बकचोदी करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर तुम्हें मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, 1000 सब्सक्राइबर लाओ, 4000 वॉच टाइम बढ़ाओ, अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में जो लिखना चाहोगे लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एंड फाइनली गाइस ये वीडियो जिसको शेयर करना चाहो कर सकते हो, एंड जल्दी करो यार, एक्चुअली मिस करूँगा मैं उनको, क्योंकि सब आर्ट्स लेंगे कॉमर्स लेंगे एंड इसके बारे में बताऊँगा। ओके गाइस, तो फाइनली अभी बताएं पार्ट टू कंटिन्यू आगे करने के लिए अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो गाइस, मैं छत पे बैठा हूँ, फ़ोन चार्ज में लग रखा है, और ना ये थंबनेल लिख रहा हूँ, हाँ इस थंबनेल के जो चीट कोड है, अगर इस चीट कोड के बारे में तुम लोगों को जानना है तो मैं मोहित सचिन फरीद फरहान उर्सी अरी हम लोग यही चाहते हैं कि कमेंट के अंदर कुछ भी कमेंट कर दो, तभी गेम्स के डेवलपर तुम लोगों से इम्प्रेस होंगे, खुश होंगे और गेम्स के अंदर न्यू चेंजेस और न्यू चीट कोड लाएंगे। ओके गाइस, तो एक्चुअली क्या हुआ ना गाइस, देखो मेरे हम 9-7-8 फ्रेंड्स हैं, तो हम कुछ फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स हम आर्ट्स ले रहे हैं, 4 फ्रेंड्स हम कॉमर्स ले रहे हैं, तो लाइक हमारे स्कूल में कॉमर्स बिल्कुल नहीं है, तो कॉमर्स वाले को बगल में भेजा जाएगा जो कि 3 वाला है, बट यार जैसे हम वादा करते हैं ना कि हाँ हम रोज़ साथ में आएंगे जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाता, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है कि वो लोग कॉमर्स लेंगे तो
उस स्कूल में आ जाएंगे, बट मैंने बोला चिल करो ब्रो, उधर से भी बच्चे आ रहे हैं तुम्हारे साथ, इधर भी हम डेली साथ में स्कूल जाएंगे, मैं तेरे लिए टाइम पे उठ जाऊंगा और सुबह सुबह तेरे को लेने आ जाऊंगा और हम साथ में छुट्टी करेंगे, तो तू उधर मेरे स्कूल के पास आ जाओ, हम वहाँ पे बकचोदी करने के बाद हम साथ में घर चलेंगे। ये सब प्लान हुआ था। एंड गाइस पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और जो मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते हैं उनका दिल से शुक्रिया। थैंक